हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड, ओके, और रूल मेथड। तो कुछ स्टूडेंट को रूल मेथड प्रॉपरली समझ में नहीं आया था, ठीक है। और रूल मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर मेथड, ओके, बिल्डर मेथड। चलो आज हम लोग वापस ये टॉपिक को ये वापस समझते हैं, ये क्या है, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? नाउ सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मीनिंग क्या होता है? सेट्स इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कलेक्शन होता है, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ सेट्स। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे? वॉवेल्स, ओके। वॉवेल्स क्या होते हैं? आपकी ब्रैकेट रखा है हम लोग ने, कर्ली ब्रैकेट, ए ई आई ओ एंड यू, ओके। ये कौन से फॉर्म में है? ये आपके लिस्टिंग और रोस्टर फॉर्म में है। ओके चलो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम इसको कन्वर्ट किस में करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। नाउ तो सबसे पहले आपको क्या रहेगा? आपको उस सेट को एक नेम देना रहता है, ठीक है, उसको एक नेम देना है। तो हम लोग इसको एक नेम देते हैं V, ओके। नाउ ब्रैकेट एंड X, एंड आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल लाइन, और कहीं कहीं पे अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो वहां पे आपको ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ऐसे टू पॉइंट्स होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज अ कोलोन, ओके, एक्स कोलोन एक्स, एंड देन उसके बाद आपको ये लिखना रहता है इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फा, ओके। नाउ अगेन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे एक्चुअली है क्या। ये तो आपका कोई जो आपका सेट है उसका नेम हो गया, ओके। सेकेंड थिंग, ये जो फर्स्ट पार्ट है, आपको एक वेरिएबल देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक वेरिएबल देना पड़ता है और एक वैल्यू देना पड़ता है आपको। जो नंबर, जो आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनका एक वेरिएबल और एलिमेंट्स आप वैल्यू आपको देना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? वैल्यू और वेरिएबल, ओके। एंड ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या होता है? उस एलिमेंट्स का डेफिनेशन होता है, ओके, डेफिनेशन, और हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज, ओके। तो आप मतलब अगर आप देखने जाओगे तो आपका रोस्टर फॉर्म जो होता है वो स्टार्ट सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, ये ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पे उसका एंड होता है। एंड इसके बीच में क्या आता है? आपका बीच में आपका वैल्यू और वेरिएबल आएगा, एंड सेकेंड आपका डेफिनेशन और प्रॉपर्टी आएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपके सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या होता है। तो ऑल ऑफ यू राइट डाउन प्लीज। हाँ, तो इसका चलो हम लोग ना एक प्रॉपर
इसमें जनरल फॉर्म में देख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर और रूल्स, रूल मेथड। ओके, इसमें क्या होता है आपका, सेट का एक नाम होगा, देन ब्रैकेट वैल्यू और वेरिएबल। ओके, आप इसको, ये कोलोन है, ओके, नाउ कोलोन एंड देन उसका डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल लेते हैं। चलो वी टेक अ एग्जांपल, ओ इज अ सेट, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक्स एग्जांपल वन, ओ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ठीक है, नाउ अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेट का एक नेम देना है। तो हमने क्या दिया इसको, सेट का नेम क्या दिया, ओ इज इक्वल टू, नाउ वी टेक वन वेरिएबल, एक हम लोग ने वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमने क्या लिया, चलो एक्स लेते हैं हम लोग, एक्स कोलोन, ओके, नाउ एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे क्या दिया है आपको, ऑड नंबर, ऑड नंबर। कभी भी अगर आप देखोगे कोई भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आता है, ऑड नंबर आता है। ठीक है, ये आप देख लो कोई भी, तो वी टेक दिस वन इज एज अ एन एंड 2x प्लस, सॉरी 2n एंड x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, x इज इक्वल टू, x वैल्यू इज अ 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ओके, नाउ इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ओके, एप्सिलॉन साइन है एंड इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अब हम लोग इसको वापस लिखते हैं, चलो ओ एक्स कोलोन एक्स इज अ नेचुरल नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये जो होता है ये ऑड नंबर का मतलब, इसका मतलब होता है ऑड नंबर, ओके, एंड उसके बाद फॉर x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर एंड देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये आपका हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड हो गया। ठीक है, चलो हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल, नाउ वी टेक ई, ई इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल, ये आपका सेकंड एग्जांपल, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर। ओके, अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको उसका नेम देना है, क्या देना है उसका, उसका आपको नेम देना है, तो आपने नेम दे दिया सेट्स का ई,
ई इज इक्वल टू एन वी टेक वन वेरिएबल, हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल इज एक्स एक्स ओके कोलोन नाउ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है, पूरा आपको ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना भी ये सब पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, x belongs to natural number and then x is equal to 2n, x is equal to 2n, okay, now n belongs to natural number. देखो यहाँ पे पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, मतलब x जो है आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ओके, नाउ x इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके एनी नंबर, नाउ x इज इक्वल टू 2n इज लाइक अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 1 ले रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओके, नेचुरल नंबर में 2 ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 3, ये कंटिन्यूसली आपका एक्सप्लेनेशन है ओके okay? अब हम लोग देखते हैं कि सेट बिल्डर और एलिमेंट्स दोनों का रिलेशन कैसे होता है, हम लोग ने चलो हम लोग ने अभी ये देखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व कैसे करेंगे, ओके नाउ एलिमेंट्स, और हम इसको बोल सकते हैं लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर टू लिस्टिंग मेथड, नाउ वन इज इक्वेशन इज गिवन, आपको इक्वेशन रीड करने आना चाहिए, सेट ए वन सेकेंड ओके चलो अभी हम देखेंगे वन सेकेंड आपका रिक ओके चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपके सेट बिल्डर टू एलिमेंट्स एलिमेंट्स इज लाइक अ लिस्टिंग मेथड ठीक है तो आपको अभी मैंने बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में हम लोग कैसे लिखते हैं अब मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं ठीक है नाउ ए वन इक्वेशन इज गिवन आपको प्रॉपरली रीड करने आना चाहिए सेट ए दिया हुआ है आपको ब्रैकेट एक्स कोलोन एक्स बिलोंग्स टू एन एन मीन्स नेचुरल नंबर एंड थ्री एक्स टेन चलो ये इक्वेशन का मतलब क्या है ये इक्वेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे x इज अ वेरिएबल एंड दिस वन इज अ डेफिनेशन ये क्या है डेफिनेशन है उसका डेफिनेशन और प्रॉपर्टी है डेफिनेशन और प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे इसको समझना है कि एक्चुअली क्या दिया हुआ है नाउ x आप इसको सॉल्व करोगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x जो है ये x जो है किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से बट वो नेचुरल नंबर जो है x क्या है आपका नेचुरल नंबर
मोर देन थ्री मतलब थ्री से बड़ा है एंड लेस देन टेन थ्री से बड़ा है और टेन से छोटा है, मतलब कौन कौन से नंबर होंगे आपके, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नहीं होगा बिकॉज लेस देन टेन है तो आपका टेन नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है। नाउ ये इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। ओके चलो एक और एग्जांपल हम लोग एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंट सेट सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम लोग डिफरेंट वेरिएबल लेंगे, डिफरेंट सेट जब हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट वेरिएबल लेंगे, कभी भी एक ही वेरिएबल हर बार एक ही वेरिएबल नहीं लेते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल लेंगे तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है एंड डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट सेट्स आपको दिए हैं तो आपको डिफरेंट सेट्स लेना, आपको वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल लेना चाहिए। नाउ हम लोग देखते हैं यहाँ पे थ्री एग्जांपल, ए इज इक्वल टू एक्स कोलोन एक्स बिलोंग्स टू एन। ओके बी हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया, ठीक है चेंज किया, वाई इज अ वॉवेल इन इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट। ओके नाउ थर्ड C Z कोलोन, वेरिएबल चेंज किया कि नहीं हम लोग ने, R ऑड नंबर ऑड नंबर। चलो नाउ इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल सेट मल्टीपल सेट्स एंड मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल। ओके ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलो हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं एंड देन उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। नाउ एग्जांपल, क्योंकि मैथ्स जब आप सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम जितना हो सकता है आपको सॉल्विंग करना है एंड जितना आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैथ्स इज़ लाइक अदर सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक अपना साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे नहीं है कि आपने देखा लर्न किया रीड किया हो गया, ऐसा नहीं। मैथ्स आप जितना सॉल्व करते हो उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। नाउ ए इज अ सेट, देखो वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव। ओके अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, नंबर का क्या है, एक पैटर्न है। एक पैटर्न दिया है ओके अब ये पैटर्न को आपको समझना है कि यहाँ पे एक्चुअली नंबर का पैटर्न क्या है, नंबर का पैटर्न क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन फोर मीन्स टू टू का स्क्वायर, नाइन मीन्स थ्री का स्क्वायर, देन 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ओके एंड ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट डॉट का मतलब होता है ऐसे अगर डॉट डॉट दिया है तो सो ऑन, लाइक ये जो पैटर्न जो चल रहा है ऐसे ही पैटर्न कंटिन्यू गया है, ऐसे ही पैटर्न क्या गया है कंटिन्यू गया है। नाउ अब आपको समझ में आया कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न का मतलब क्या हो गया, ये पैटर्न का मतलब होता है
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब हम इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या होगा आपका? नेम होगा, एक सेट का नेम देंगे, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ एक्स, हम लोग ने वेरिएबल क्या दिया? एक्स कोलोन। ओके, एक्स इज, हम लोग कोलोन ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड कोलोन। एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज किया, और हम लोग अलग फॉर्म में, एक और फॉर्म में देखते कैसे लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू, ओके, एक्स कोलोन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, मतलब एक्स जो हो, सॉरी, जो एन है, एन आपका बिलोंग्स किससे करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 5 एन। नाउ एन मीन्स एन स्क्वायर मीन्स एक्स। ओके, समझ में आया आपको? चलो अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग पैटर्न, कभी भी आपको मैथ सॉल्व करते हैं ना, आपको पैटर्न समझना पड़ता है। 1 8 27 64। ओके, तो पैटर्न क्या दिया है आपको? दिख रहा है इसका मतलब क्या है? सो ऑन 1 8 27 64। नाउ 2 3 4। ओके, नाउ मीन्स व्हाट? मीन्स क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ अभी हम इसको लिखेंगे कौन से फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। b इज इक्वल टू नाउ वी टेक डिफरेंट वेरिएबल, हम लोग ने थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएबल लिया y। ओके, कोलोन y, नाउ n क्यूब, नाउ ये वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, चलो अभी आपको समझ में आया, सेट बिल्डर समझ में आया, रूल मेथड समझ में आया कि उसमें वेरिएबल एंड डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा दिया रहेगा। अभी आपको ये समझना है कि रोस्टर मेथड एंड रूल मेथड और सेट बिल्डर, ये दोनों यूज कहां कब होता है? जब एग्जैक्ट एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है, जब आपके पास एग्जैक्ट एलिमेंट्स अवेलेबल है एलिमेंट्स, तो हम लोग कौन सा देते हैं? रोस्टर मेथड देते हैं। एंड जब आपके पास जनरलाइज फॉर्म होता है, क्या होता है? जनरलाइज्ड फॉर्म होता है, तो वहां पे हम लोग रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड यूज करते हैं। तो डिफर करता है कि कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलो हम लोग इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, एंड देन
लास्ट लेक्चर में आप लोग के डाउट्स थे, स्टूडेंट के डाउट्स थे, वो थोड़ा सा हम लोग पहले सॉल्व करते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। डाउट्स देखता हूँ मैं आपको, वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड वन, ओके। अदर डाउट्स लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 5th, ओके। ओके वी कैन सी, फर्स्ट वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कौन सा है। नाउ इज गिवन पी इज इक्वल टू, ओके सेट्स पी कोलोन पी इज एन ऑड नंबर, ओके मीन्स व्हाट। नाउ पी इज अ सेट सेट ऑफ ऑल पीज, ये जो p है आपका सेट है ऑल p का, जितने भी p हैं, एंड ऑल p आर ऑड नंबर, ऑड नंबर, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5th सेकेंड, बी इज इक्वल टू 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। नाउ हियर इज अ पैटर्न, अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं। अब पैटर्न कैसा है इसका, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48। नाउ दिस वन इज अ पैटर्न, ये पैटर्न है ये क्वेश्चन का, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग कौन से मेथड में लिखना है, रूल मेथड में आपको लिखना है, ठीक है। नाउ हम इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वी राइट बी एज अ सेट, हम लोग सेट का नेम लिखेंगे, लिखा हम लोग ने, ओके। नाउ वी गिव अ वेरिएबल, एक वेरिएबल हम लोग ने दिया, नाउ कोलोन एक्स। नाउ अब ये इसका मीनिंग क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या देंगे इसको, ये जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड एज एन। नाउ एक्स इज इक्वल टू 6n, ओके। नाउ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट अगर आप देखोगे नेचुरल नंबर 1 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही है, नेचुरल नंबर कितना है n, 8 तक ही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा 1 less than और इक्वल टू 9, और हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली राइट डाउन एन इज बिलो 9, ओके हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एनी टू सेट बाई यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड बाई रूल मेथड, जो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में बताया था लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया आपको वही है, आपको आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज ऑल्सो, फिफ्थ भी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम के डाउट्स क्लियर हुए, ओके, ऑल ऑफ यू रिप्लाई प्लीज, हाँ, और भी कोई डाउट है तो प्लीज, नहीं समझ में आया तो अगेन आप बोलो, मैं आपको अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, हमको कोई भी कॉन्सेप्ट पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है आपका, टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं टोटल। नाउ हमको स्टडी 4 टाइप्स की स्टडी करनी है, वन इज अ सिंगल टोन सेट, देन एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। सिंगल टोन मतलब क्या होता है आपका, सिंगल सेट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल मतलब जहां पे सेट्स में वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है दैट वन इज अ सिंगल टोन सेट। सिंपल सा फंडा याद रखना है आपको, एलिमेंट्स आपके पूरे सेट्स में सिंगल सेट, सिंगल एलिमेंट वन एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो क्या होता है आपका, सिंगल सेट इज लाइक अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। लाइक एग्जांपल ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 2, ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर, ओके, इवन प्राइम, बिकॉज अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो नंबर्स में जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर मींस व्हाट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होता है, तो अगर आप इवन प्राइम नंबर अगर आप देखने जाओगे तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो क्या होता है आपका 2, बिकॉज प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है, प्राइम नंबर मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, एंड इवन नंबर मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो एक 2 ऐसा नंबर है जिसकी कंडीशन है कि वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है,
तो इसका मतलब होता है, अगर ये वर्ड दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, ये वर्ड दिया है इसका मतलब है कि क्या है आपका सिंगल टोन, एक ही है वो आएगा। एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी मीन्स कोई सेट्स है ही नहीं, कोई भी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स, ओके, कोई भी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। नाउ देखते हैं, इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट। मतलब हम लोग को कोई भी एग्जाम्पल दिया है एंड क्वेश्चन में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर पाए, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, कुछ भी नहीं अवेलेबल है, तो दैट वन इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट और नल सेट और जीरो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई, फाई का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। नाउ ये इज गिवन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री, टू एंड थ्री के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर अवेलेबल है? नो, देन दैट मीन्स बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और फाइव, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट में मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट और फाइनाइट, फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर, मतलब फिक्स, कोई भी क्वांटिटी है, क्वालिटी क्वांटिटी है, वो फिक्स है, नंबर क्या है, फिक्स है कि हाँ इतने नंबर्स होंगे, ये नंबर इतने के बीच में होंगे, तो वो क्या होता है फाइनाइट, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो, जो क्या हो, काउंटेबल हो, दैट वन इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट नंबर। एंड जिसको हम लोग अनकाउंटेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। सेट्स में भी ऐसे बहुत सारी कंडीशन आएगी जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो और काउंट नहीं कर सकते हो, जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट, एंड जहाँ पे काउंट नहीं कर सकते दैट वन इज अ इनफाइनाइट सेट, ओके। लाइक एग्जांपल, पी कोलोन पी इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4, 1 and 22 के बीच में ऐसे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 एक क्या हो गया आपका, 4 हो गया, 4 4 से डिविजिबल है, 8 12 16 and 20, हाउ मेनी नंबर्स, टोटल 5 नंबर, इससे ज़्यादा नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, टोटल 5 एलिमेंट्स, ओके, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स, 5, तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो किस में आएगा, फाइनाइट में आएगा, ओके। चलो सेकंड देखते हैं, इनफाइनाइट लाइक नंबर्स 1 2 3 .. इज लाइक सो ऑन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है, यू नो दैट, नो, 100,000, 10,000, 20,000, lakhs, crore कितना भी हो सकता है ना, तो दिस वन इज अ इनफाइनाइट नंबर, तो ये कंडीशन में दिस वन इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। अब अकॉर्डिंग टू दैट आपको इक्वेशन रहेगा, आपको सेट्स में प्रॉब्लम्स होंगे एंड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं, नाउ राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ओके, ये आपका सॉल्व करना है रूल मेथड टू लिस्टिंग मेथड एंड लिस्टिंग मेथड से आपको बताना है कि नंबर आपका फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, बिकॉज लिस्टिंग मेथड से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। नाउ रूल मेथड, गिवन इन रूल मेथड, फर्स्ट इक्वेशन को ब्रेक करना है, एक्स इज अ वेरिएबल कोलोन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज एन ऑड नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर फर्स्ट कंडीशन इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ओके, बट सेकेंड कंडीशन एक्स इज एन ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर उसमें से निकल जाएंगे, तो ऑड नंबर इज लाइक एक्स इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11 कंटिन्यू. ओके नाउ दिस कंडीशन. तो ये क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट है. मतलब ये सेट क्या है आपका? इनफाइनाइट. ओके अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो आगे देखते हैं. सेकेंड कंडीशन एक्स वेरिएबल कोलोन एक्स बिलोंग्स टू एन. एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स नेचुरल नंबर. ओके एंड वन कंडीशन इज गिवेन, 3x-1 = 0. इक्वेशन सॉल्व करो. नाउ 3x-1 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1. नाउ x इज इक्वल टू 1/3. बट हियर इज गिवन अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है. मतलब ये आपका इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, फिट नहीं है. ओके मीन्स 1/3 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर मतलब इसका सेट में क्या आएगा आपके? एम्प्टी. नाउ दिस वन इज अ नल सेट. नल सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट. नल सेट भी क्या होता है आपका? फाइनाइट सेट होता है. ठीक है, सी हियर, इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल लिया, सेट का नेम है वेरिएबल एक्स कोलोन. नाउ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बट एक्स इज डिविजिबल बाई 7. तो नेचुरल नंबर में भी हम लोग को वही नंबर्स लेना है जो 7 से डिविजिबल हो. तो 7 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 कंटिन्यू. नाउ दिस वन सो ऑन एंड ये क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट सेट होगा. ओके समझ में आ रहा है आप लोग को? इनफाइनाइट फाइनाइट सेट हम लोग क्या कर रहे हैं? रूल मेथड को ब्रेक कर रहे हैं. रूल मेथड को ब्रेक करके एंड देन हम लोग उसको लिस्टिंग मेथड में ला रहे हैं. लिस्टिंग मेथड से हम लोग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं. सी हाँ, अब थोड़ा समझ आएगा आपको. नाउ सेट्स वेरिएबल बट यह इज अ टू वेरिएबल. दो वेरिएबल है कोलोन ए एंड बी. ए एंड बी, ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू. डब्ल्यू मीन्स होल नंबर. दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? होल नंबर. बट ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9. मतलब वो कंडीशन है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 ही आना चाहिए. तो क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी का हमको पेयर, ऐसे हमको पेयर फाइंड आउट करना है ए एंड बी, जिसको ऐड करने के बाद 9 आंसर आना चाहिए. ओके ए प्लस बी. अब वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे आएगा 0+9, 1+8, 2+7, 3+9, 4+5, 5+4, 6+3, 7+2, 8+1, 9+0. नंबर रिपीट नहीं हुआ है, कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है, बट एलिमेंट्स बन रहे ना. टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल 10 एलिमेंट्स फिक्स हैं. मीन्स दे आर इनफाइनाइट और फाइनाइट. ओके चलो इक्वेशन.
दिख रहा है आंसर? चलो फाइंड आउट करते हैं। एक्स इज वेरिएबल, एक्स इज बिलोंग टू इंटीजर्स, एक्स बिलोंग करता है किससे? इंटीजर से। बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। तो ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिसको स्क्वायर करने के बाद 100 वैल्यू आना चाहिए। 1 इज अ 10, एक तो 10 है, 10 को स्क्वायर किया तो क्या हो गया? 100 वैल्यू आ गया। अदर एग्जांपल इंटीजर्स है तो मतलब -10 इज ऑल्सो, -10 को स्क्वायर करो इज ऑल्सो 100। मतलब कितने हैं? दो आंसर हैं, दो एलिमेंट्स हैं। मतलब ई क्या है आपका? फाइनाइट सेट है। समझ में आया? ये इनफाइनाइट और फाइनाइट के एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन रीड करो। चलो बोलो क्या समझ में आपको? वन सेट इज एफ इज अवेलेबल। नाउ ही हैज टू वेरिएबल, वेरिएबल इज फॉर्म इज लाइक वन ए बी। ओके, नाउ ए बी इज बिलोंग टू क्यू। ओके, नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, ऑलवेज ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये आंसर आना चाहिए आपका। बट इन अ ब्रैकेट दे हैव टू नंबर ए एंड बी, ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका वैल्यू आपको 11 होना चाहिए। नाउ फाइंड आउट किया 6 प्लस 5, 3 प्लस 8, दे हैव ऑल नंबर्स। मतलब आप इसको मल्टीपल नंबर्स में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट। ओके, समझ में आया? ये तो आपका हो गया इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स। नाउ इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू डिफरेंट सेट्स अवेलेबल हैं एंड वो दोनों सेट्स क्या होने चाहिए? सेम। इफ दे आर सेम मीन्स दे आर इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे बोथ हैव द सेम मेंबर्स, मेंबर्स मीन्स एलिमेंट्स। लाइक ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 मीन्स ए इज इक्वल टू बी, मीन बोथ सेट्स आर इक्वल। इफ सी इज इक्वल टू 1, 2, 5 एंड डी इज इक्वल टू 5, 1, 2 बोथ आर इक्वल। ये सेम मैनर में नहीं लिखा है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करोगे तो दे आर सेम, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। द ऑर्डर इन विच द मेंबर ऑफ अ सेट आर रिटन डज नॉट मैटर, कौन से ऑर्डर में लिखा है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, लाइक अदर एग्जांपल, वन सेट इज गिवन 9, 2, 7, -3, बी 7, 9, -3, 2 मीन्स ए इज इक्वल टू बी। नाउ हियर इज डॉग, कैट, हॉर्स। नाउ कैट इज अ कॉमन, हॉर्स इज कॉमन, स्क्विरल एंड डॉग, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा है तो इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी, ए बी इक्वल नहीं है। इफ डॉग, कैट, हॉर्स, कैट, हॉर्स, डॉग, डॉग, दे आर इक्वल। ओके, चलो इसके पहले हम लोग आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक से, तो एक दो एग्जांपल हम लोग इक्वल सेट्स के आपके टेक्स्ट बुक से लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक
ये आपके सेट्स हैं, ए इज इक्वल टू, ए इज अ सेट्स एक्स कोलोन, एक्स इज अ लेटर ऑफ ऑफ द वर्ड वर्ड लिसन, ओके। एक सेट आपका ये है, सेकेंड आपका बी, वाई कोलोन वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड साइलेंट। अब आप मुझे बताओगे ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, दे आर इन रूल मेथड, दोनों रूल मेथड में हैं। अब दोनों को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है लिस्टिंग मेथड, ए इज इक्वल टू, इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा आपका एल आई एस टी ई एन, ओके। नाउ इसको सॉल्व करो आप, बी इज इक्वल टू एस आई एल ई एन टी। अब देखो एल प्रेजेंट है, आई आई एस एस टी टी ई ई एन एन, मतलब इक्वल है। नाउ ए इज इक्वल टू बी, ओके। और फिर राइट डाउन प्लीज, हाँ चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको इरेज करता हूँ मैं। ओके नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वी कैन सी सेकेंड एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स कोलोन एक्स इज इक्वल टू टू एन, नाउ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट एक्स इज मोर देन जीरो, मोर देन जीरो और लेस देन टेन और इक्वल टू टेन, ओके वन इक्वेशन। अदर इक्वेशन अदर सेट्स बी इज इक्वल टू, वी राइट डाउन वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल वाई कोलोन वाई इज एन इवेन नंबर, इज एन इवेन नंबर, ओके। इवेन नंबर मीन्स लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वाई मीन्स लेस देन और इक्वल टू वन, सॉरी मोर देन वन और इक्वल टू वन और लेस देन टेन और इक्वल टू टेन, ये आपका इक्वेशन है। नाउ यर ब्रैकेट क्लोज,
अब आपको दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दैट, सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेट ए। नाउ इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एनी नंबर, ओके। बट दे हैव 2n, अगर हम लोगों ने 1 लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2n, तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10, ओके, 2 मल्टीप्लाई 12 नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है, लेस देन 10 और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू 10, तो हम लोग ये नंबर्स आएंगे आपके, ओके। फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, चलो ए। सेकंड बी, बी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फाइंड आउट इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 एंड 10 में क्या होगा इवन नंबर, 2, 4, 6, 8 एंड 10, नाउ ये इक्वल टू 10, ओके। 1 तो इवन नंबर नहीं होगा, बोथ आर सेम, मतलब ए इज इक्वल टू बी, समझ में आया। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल like example c, we can take one example, c is equal to 1, 3, 5, 7, okay, now d is equal to 2, 3, 5, 7, they are equal, no, because दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, common है नहीं है, मीन्स क्या हो गया, इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल सेट है, वन इज बिलोंग्स टू सी बट वन इज नॉट बिलोंग्स टू डी, सेम थिंग टू बिलोंग्स टू डी बट टू नॉट बिलोंग्स टू सी, तो इसलिए ये आपका इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Decide which of the following are equal set and which are not. Which one is equal set or which are not? Abhi dekho. First we solve A is equal to. Now in a listing method x colon 3x minus 1 is equal to 2. Okay? Now, first हम लोग equation इसको solve करते हैं. Now,
3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, नाउ 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, बिकॉज ये 1 ये साइड गया, नाउ 3x इज इक्वल टू 3, नाउ x इज इक्वल टू 1. इसका आंसर क्या है? a इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ here इज गिवन अ b x colon x is natural number but x is neither prime nor composite. Okay, prime number means number is divisible by one or itself. Okay, तो prime numbers का मतलब वो होता है. And composite number means what? Composite number का मतलब क्या होता है? बोलो, चलो. बताओ मीनिंग. नंबर इज लाइक दोज नंबर्स डिविजिबल बाय मोर देन वन और इटसेल्फ. मतलब वो नंबर वन, प्राइम नंबर इज लाइक नंबर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, खुद एंड वन से डिविजिबल होना चाहिए. दैट वन इज अ प्राइम नंबर. एंड एक्सेप्ट प्राइम नंबर, दैट वन इज अ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर इज लाइक लाइक एग्जाम्पल 4. 4 इज डिविजिबल बाय 1. लाइक एग्जाम्पल 4. 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 4 से डिविजिबल है. तो मतलब ये, अगर ये दोनों कंडीशन होता तो प्राइम नंबर, बट ये मोर देन 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर. नाउ ये इस कंडीशन इज नॉर प्राइम नंबर, इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर. मीन्स वन नंबर इज रिमेनिंग, दैट वन इज अ 1. तो इसका आंसर क्या होगा? B का आंसर क्या होगा? 1. ओके, थर्ड कंडीशन C, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ. X colon X, X belongs to natural number but less than 2. X is less than 2. Less than 2 number is 1. Means all 3 are equal sets. Okay? ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट आपका सॉल्व करवा दिया आपको. चलो देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका. सेकेंड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर आंसर. अभी ए एंड बी जो सेट है, ए एंड बी इक्वल सेट्स एंड वाई, गिव द रीजन. इवन प्राइम नंबर, ए इज इवन प्राइम नंबर. Even prime number is a, even prime number is a 2, only 2. Okay, now equation B ko solve karo. Equation B, 7x minus 1 is equal to 13. Now 7x is equal to 13 plus 1,
नाउ एक्स इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 कैंसिल हो गया, आंसर इज अ 2, एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों सेम है, मीन्स ए एंड बी इज अ इक्वल सेट्स। ओके चल अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are empty set? Why? A. A is a natural number smaller than 0. Smaller than 0, कोई भी natural number होता है, present होता है? No. Means they are empty. कोई भी 0 से smaller number होता है? नहीं. Okay. Second. X. Square is equal to 0. Solve. Any value? आप ऐसे division करो जिसका value 0 होना चाहिए. Sorry, multiply करो, square करो, answer 0 होना चाहिए. ये आपको answer find out करना है. Homework, okay. Now this one, again, x belongs to natural number. Now equation is a 5x minus 2 is equal to 0. Now, x, 5x is equal to, ये 2 right hand side, minus 2 का plus 2, तो हम लोग 2 लिखते हैं, x is equal to 2 upon 5. But ये natural number से belong कर रहा है, ये नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है नहीं ना, 2 अपॉन 5 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मींस दे आर एम्प्टी, मींस ए एंड सी आर एम्प्टी। ओके डाउन फोर्थ क्वेश्चन, आपको मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे हिंट देने वाला हूँ एंड देन आपको सॉल्विंग आप लोग को करना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल, फाइनाइट इनफाइनाइट के ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किए हैं, तो आपको मैं हिंट देने वाला हूँ, आपको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें 7 में से कौन से ऐसे हैं जो फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स कोलोन एक्स, एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिलो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 1 to 9 नंबर इज नेचुरल नंबर, फिक्स नंबर है, तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट होगा। सेट ऑफ, ओके सेकेंड सॉल्व करते हैं, वाई कोलोन वाई, वाई लेस देन माइनस वन, वाई इज एन इंटीजर्स, वाई इज लेस देन माइनस वन, लेस देन माइनस वन तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, एनी नंबर मीन्स दे आर इनफाइनाइट। ओके चलो थर्ड देखते हैं हम लोग, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, इनफाइनाइट और फाइनाइट, आंसर ऑब्वियसली फाइनाइट, आपकी क्लास में 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट फिक्स होंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स होंगे ना, अभी आपको करंट कंडीशन में आपको नहीं पता है, बट आप जब स्कूल जाओगे 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो देन आपकी क्लास में आपके डिवीजन में फिक्स स्टूडेंट होंगे, फिक्स स्टूडेंट हैं तो क्या है ये आपका आंसर क्या है, फाइनाइट। ओके
सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट? आंसर ऑब्वियसली विलेज में आपके फिक्स होंगे ना, आपको अभी नहीं आइडिया है, बट फर्दर जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके विलेज में कितने जितने पर्सन है सबके सब फिक्स पर्सन होंगे, तो दिस वन इज ऑल्सो फाइनाइट. सेट ऑफ एपरेटस इन अ लेबोरेटरी, अभी लैब में आपके लेबोरेटरी में आपके एपरेटस तो फिक्स होंगे ना, एपरेटस तो फिक्स होंगे, मीन्स दिस वन इज ऑल्सो फाइनाइट. सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर फिक्स है, होल नंबर आप होल नंबर अब काउंट करते जाओ, यहाँ पे बिटवीन नहीं दिया है, यहाँ पे नंबर्स की बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 to 20 ऐसे नहीं दिया है, तो मीन्स क्या हो गया ये आपका इनफाइनाइट. आप होल नंबर्स कंटिन्यूसली फाइंड आउट करते जाओ. ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगेन बिटवीन नहीं दिया है तो रैशनल नंबर भी क्या होगा आपका कंटिन्यूसली होगा. ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 1.2 फिनिश. अभी भी अगर आपको कोई भी किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी. ओके, देन हम लोग अगेन सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.